My name is Alauddin Khan. I'm from second year, and today I want to present this topic to you. Topic का नाम है electric polarization of dielectric. Dielectric में हमारे पास आ जाता है कोई भी insulating material, glass, rubber, plastic और कोई भी insulating material. इसे हमने put कर लिया है चार कैपेसिटर के दरमियान. सबसे पहले अगर हम डायलैक्ट्रिक में से ये मिला हुआ होता है एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके, तो अगर हम इसमें से एक एटम को निकाल लेते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया एटम का पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए नेगेटिव चार्ज. अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में ही है, और नेगेटिव चार्ज का भी जो सेंटर बन रहा है वही न्यूक्लियस में ही है. और हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे इनके सेंटर जो हैं कोइंसाइड हैं, कोइंसाइड. उसके बाद अगर हम इसे इंसुलेटिंग मटेरियल को उठा के किसी भी चार्ज कैपेसिटर के दरमियान में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी. और वहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को गुजार लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स गुजरेंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हमारे पास डायपोल बन जाता है और इसे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन. इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन में हमारे पास इस फिगर को देख लेते हैं. इसमें अब हमारे पास यहाँ पे तीन चार्जेस हैं नेगेटिव, यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं. नेगेटिव चार्ज ये एक प्लेट बना लेंगे, तो उस साइन को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ये एक प्लेट बना लेंगे. अब हमें पता है कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनमें चार्ज ज़्यादा स्टोर है बनिस्पत यहाँ पे अंदर. अब हमारे पास तीन नेगेटिव चार्ज हैं, ये तीन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ये इनकी जो होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं सरफेस डेंसिटी, ये इनकी डिक्रीज हो जाएगी और हमारे पास फार्मूला आ जाता है E इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट. सरफेस डेंसिटी डिक्रीज होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. अब हमारे पास फार्मूला एक और है कि पोटेंशियल ED इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी इसकी वजह से डिक्रीज कर जाएगा. और हमारे पास अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है C इक्वल टू क्यू बाय वी. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास अगर डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज करेगी. हमारा पोलराइजेशन का फायदा क्या है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का फायदा ये है कि इसकी वजह से हमारे पास जो कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. थैंक यू.